नमस्कार, आपका अपना जीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। हम लोग भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। क्यों भागते हैं खुद को भी पता नहीं है, लेकिन हम जरा जरा सी जो चीजें हमें बताई गई हैं उनके पालन कर लें हम, तो हमें ना तो भागने की जरूरत पड़ेगी ना दुखी होने की जरूरत पड़ेगी। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि उसे हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। हम उस दुख से निपटने के लिए अपने आप को एडजस्ट नहीं करते हैं। जरूरत इस बात की है कि जैसी भी परिस्थिति आए उसके अंदर हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हमें इसमें भी खुश रहना है। एक गांव में एक संत अपने शिष्य के साथ रहते थे और संत अपनी बुद्धिमानी की वजह से क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध थे। लोग अपनी समस्याएं लेकर आश्रम आते और संत उन समस्याओं का समाधान बताते थे। एक दिन एक शिष्य ने संत से कहा कि गुरुजी, हमारे आश्रम में काफी लोग आते हैं, सभी के जीवन में दुख है, दुखों को दूर करने और हमेशा खुश रहने का मंत्र क्या है? खुश रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गुरुजी ने शिष्य से कहा कि प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें वन में दूंगा, मेरे साथ जंगल में चलो। एक थोड़े बड़े पत्थर की ओर इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि तुम ये पत्थर उठाओ और मेरे साथ चलो। अब शिष्य ने तुरंत ही आज्ञा मानते हुए पत्थर उठा लिया और गुरुजी के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद पत्थर के वजन की वजह से शिष्य का हाथ दर्द करने लगा। वह चुपचाप गुरुजी के पीछे चलता रहा। थोड़ी देर बाद उसके हाथ का दर्द और बढ़ गया, लेकिन उसने गुरु को कुछ नहीं बोला। पत्थर उठाकर वह थोड़ी दूर और चलने के बाद हाथ का दर्द जब ऐसे नहीं हो गया तो शिष्य ने गुरुजी से कहा कि अब यह पत्थर मैं नहीं उठा सकता हूं। गुरुजी ने बोला, ठीक है, यहीं रख दो। अब पत्थर रखते ही शिष्य को राहत मिली। गुरुजी ने कहा, बस यही है खुश रहने का मंत्र। शिष्य बोला, मैं गुरुजी आपकी बात नहीं समझ पाया। तो गुरुजी ने समझाया, जब तक हम दुखों का बोझ उठाए रहेंगे हमें दुख और निराशा का ही सामना करना पड़ेगा। हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो दुख देने वाली बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। दुख के बोझ को जल्दी से जल्दी छोड़ देंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। अब हम यदि बुरा समय आया तो उसी को लेकर रोना पीटना करते रहते हैं, कब बुरा समय निकलेगा, किसी ज्योतिष के पास पूछ रहे हैं कब हमारा समय सही आएगा, हमारे दशा कौन सी चल रही है, हम इसको कैसे बाहर निकलेंगे। पामिस्ट के पास जाते हैं, हाथ दिखाते हैं, टैरो कार्ड से निकालने की कोशिश करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट से हम जरिए निकालने की कोशिश करते हैं कि हमारा समय कब सही आएगा। लेकिन समय तो आप खुद के हाथ में है, उसे सही करना। अरे जो वक्त आया है, दुख आया है, तो स्थाई थोड़ा ना, उसका मजा लो, सीखो उसको भी। खुश रहने का सिर्फ एक यही मंत्र है, बीतीताई बिसार दे और आगे की सुध ले। हम तो सिर्फ बस आपसे इतना सा ही कहेंगे, बदल लो अपनी जिंदगी को। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।